গুড মর্নিং। এটা কি? কিছু নেই। ম্যাজিক ম্যাজিক করছে। হাড্ডিটা ভেঙে দিল? কে ভাঙলো তোমার হাড্ডিটা বেটা? ওলে বাবলে, হাড্ডি টুট গিয়া ডুকু কা, হাড্ডি টুট গে। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सब बहुत अच्छी होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है संडे, बेटू का स्कूल नहीं है, बट हस्बैंड का ड्यूटी का तो कोई छुट्टी नहीं है, तो वो चले गए हैं मॉर्निंग शिफ्ट में। और फिर मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, और ड्यूटी जाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी। फिर उठने के बाद भी मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ। डुगू सबसे पहले उठा था, फिर उसको कुछ खिला पिला के मैं अभी घर का काम करना स्टार्ट कर दिया है। बेटू जस्ट अभी उठी है। तबीयत के चक्कर में इतने दिन मैं अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, और मतलब घर का काम तो करना ही पड़ता है हमें, क्योंकि हमें देखने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो हमारा देखभाल हमें खुद ही करना पड़ता है। तो मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाऊँ, फिर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। मेरा बाल का हालत आप लोग देख सकते हो, मैंने काट के इतना सा कर दिया है। क्यों? क्योंकि बाल इतना ज़्यादा झड़ रहा था पूरा, मतलब मैं सोच रही थी कि पूरा टकली हो जाऊँगी मैं, इतना बाल झड़ रहा था। फिर बाल मैंने काट लिया है एकदम छोटा करके। पोनी जो बनाया है मैंने, आप देख सकते हो कितना पतला हो गया है। कुछ दिन पहले मेरा जो बाल था आपने देखा था वीडियो में, और अभी देखिए थायराइड इतना बढ़ गया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो चलिए, अभी फिर से सब कुछ कंट्रोल में आ गया है, अभी सब कुछ सही हो जाएगा धीरे धीरे। बस हिम्मत रखना होगा, और कुछ रेमेडीज़ मैं ट्राई कर रही हूँ ताकि जल्दी से जल्दी मेरा बाल जो है वो फिर से सही हो जाए पहले की तरह। छोटा छोटा बहुत सारा बाल निकल गया है, अभी उसे बड़ा होने में और बाल पहले की तरह सही होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए, आप लोगों से बातें करते करते मैंने एक एक्स्ट्रा काम स्टार्ट किया है। ये है मेरा ओपन किचन, और यहाँ पे ना ही एडजस्टर फ़ैन है ना ही कुछ है, तो यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलता है, फ़ैन नहीं चल रहा है, पर देखिए कितना हिल रहा है जो कर्टन्स है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो मैं किचन में जब खाना बनाती हूँ तो ऑयल जो है पूरा बैठ जाता है चारों तरफ, तो महीने में मुझे एक बार क्लीन करना ही पड़ता है। इसीलिए मैंने सोचा चलो आज ही कर लेते हैं, संडे भी है, इतना काम का प्रेशर भी नहीं है, तो फटाफट से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले तो एक नॉर्मल सा कपड़ा लिया था, फिर याद आया कि अगले महीने मैंने जैसे क्लीन किया था कि जो स्प्रे होता है ना कांच वगैरह क्लीन करने के लिए, कॉलिन, उसको लिया है, और साथ में एक सॉक्स ले लिया है। उसको लेके मैं अच्छे से घिस घिस के पूरा जो मेरा डिब्बा है किचन का कंटेनर, सब कुछ मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। 2 महीने पहले भी मैंने ऐसे ही क्लीन किया था, क्योंकि बाहर जो है ज़्यादा गंदा होता है जो हमारा ये होता है कंटेनर्स होता है, और अंदर से इतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि अंदर तो चीज़ें रहता है हमारा, तो बाहर ये ऑयल बैठता है, तो कॉलिन से और सॉक्स से अच्छे से वो क्लीन हो जाता है। तो फटाफट से मैं ये कर लूँगी, फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। बेटू को मैंने कुछ दे दिया था खाने के लिए, और फिर डुगू को भी मैंने खिला दिया था सुबह, आपने देखा दूध कॉर्नफ्लेक्स। फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया है, तो अभी मॉर्निंग का पूरा जो काम है झाड़ू पोछा बर्तन ये तो एक्स्ट्रा काम है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो ये सब कुछ करने के बाद मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है वो बनाऊंगी, और मैं भी ब्रेकफास्ट करूंगी। तो यहाँ पे देखिए कंटेनर्स कितने अच्छे से क्लीन हो गया है, तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो पूरा निकाल निकाल के, धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और आपका जो किचन है वो भी साफ़ सुथरा रहेगा। तो जल्दी जल्दी काम करने के लिए एक मतलब शॉर्टकट रास्ता है। तो अभी मैंने पूरे घर में देखिए अच्छे से झाड़ू लगा लिया है, और अभी पोछा भी लगा लूँगी, फिर बाकी का काम करूँगी। और डुगू जो है मेरा पूछ आगे पीछे घूमता ही रहता है, उसको क्या होता है ना अभी बड़ा हो रहा है, तो अभी उसको ज़्यादा गोदी में चलने का मन करता है, पर मेरा काम सब पूरा दिन इतना रहता है, ज़्यादा तो ले नहीं पाती हूँ, पर वो ज़्यादा ज़िद भी नहीं करता है, बट एक दो बार बोलता रहता है मम्मा गोदी में ले लो, मम्मा गोदी में ले लो, बट क्या करेगा इस हमारा तो मतलब अकेले रहने से ही एक दिक्कत होता है। कोई बात नहीं, मैं डुगू भी अच्छे मतलब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा,
और कुछ दिनों में ही फिर अगले साल से तो वो स्कूल भी जाने लगेगा, तो उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अभी तो बेटू को बहुत अच्छा लग लगा है क्योंकि वो अभी स्कूल जाती है, तो उसका भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है सुबह का। अभी तो उसका हाफ टाइम अभी भी चल रहा है, मतलब 2 बजे तक का जो रूटीन है वो तक स्टार्ट नहीं हुआ है। वो अगर एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो वो पूरी तरह से एकदम बिजी हो जाएगा, और अगर ट्यूशन वगैरह जाने लगी तो घर में रहने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो चलिए, आप लोगों से बातें करते करते ऑलमोस्ट मेरा काम सब कुछ हो ही गया है, बाकी का जो होता है वो कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। आज नाश्ते में बना रही हूँ मैगी, बहुत दिनों से नहीं बनाई थी, तो आज थोड़ा सा सूपी टाइप नूडल्स बनाऊँगी। वैसे ये आटा मैगी है, पता नहीं कितना हेल्दी है नहीं, बोलते हैं कि आटा मैगी, पता नहीं कितने मतलब आटा इसमें मिलाया हुआ है और कितना मैदा है। तो चलिए, पहले तो मैं थोड़ा सा कम ही मसाला डाल रही हूँ, मतलब 1 पैकेट 2 पैकेट नूडल्स, मैंने 2 नूडल्स डाला है, 1 पैकेट मसाला डाल रही हूँ। पहले बेटू को थोड़ा सा दे दूंगी, फिर डुगू को भी देना होगा, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई भी खा लेगा, पर बेटू का ही प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा सा उठा देते वरना उसको तीखा लगता है। फिर मैं और 1 पैकेट इसमें मसाला डालूंगी और थोड़ा सा सूपी टाइप ये मेरे लिए बना लिया है मैंने, तो ये मेरा सूपी नूडल्स तैयार हो चुका है। तो यही है हमारा आज का नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद अभी बारी है लंच करने की, मतलब लंच तैयार करने की, मैं बोल रही हूँ लंच करने की। तो लंच अभी बनाऊंगी, तो सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा कुछ था नहीं घर में, थोड़ा सा पपीता था और थोड़ा सा कैरेट है और अंडा था, तो सोचा कि चलो अंडा करी बना देंगे, और ये जो थोड़ा सा पपीता है इसका करी बना देंगे, साथ में दाल और राइस मैंने चढ़ा दिया है, और थोड़ा सा करेला भी था तो उसका भी मैंने बॉईल कर लिया है, और उसको मैं मैश करके ऐसा कुछ बना लूँगा। और डुगू अभी बैठ के मेरे पास ही खेल रहा है, अभी उसका और उसका दीदी का बन नहीं रहा है, दोनों झगड़ रहे हैं, तो वो मेरे पास आ गया है, तो उसको मैंने बिठा के अभी क्या करेगा, वो जितना भी मेरा बर्तन है वो एक एक लेगा और फेंकता रहेगा, उसका एक काम होता है वहाँ पे बैठने के बाद। तो चलिए, दाल भी बॉयल हो चुका है, इसको पहले मतलब बाद में तड़का लगाएंगे, और यहाँ पे जो पपीता था उसको मैंने बॉयल करके थोड़ा सा मसालों के साथ ऐसे भून लिया है, तो इसे भी करी बना के अच्छा लगता है, मतलब डायरेक्ट जो मसाले में पकाया जाता है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, बट थोड़ा सा बॉयल करने के बाद बनाने से अच्छा लगता है। और यहाँ पे बन गया है हमारा अंडा करी और मैश्ड करेला, बस हो गया है सब कुछ तैयार, मैंने अच्छे से ढक के भी रख दिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिपकली है, पता नहीं खाने में क्या कब गिर जाए, तो इसको चलिए अच्छे से ढक दिया। अभी मैं जाऊँगी नहाने, साथ में दोनों बच्चों को भी नहलाऊँगी तैयार करूँगी, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। वैसे अब हस्बैंड को आने में अभी भी टाइम है, वो तो आएंगे 2 बजे, उससे पहले मेरा सारा काम हो जाएगा। और कुछ देर पहले जब मैं करी बनाई थी पपीता का, वो डुगू को थोड़ा सा देके बिठाई थी और थोड़ा सा बॉयल्ड अंडा भी दिया था, तो खाया भी है, पूरा खाया, फिनिश कर दिया है, बट पूरे बॉडी में लगा लिया है, तो उसको अभी मैं फटाफट से चले नहला देती हूँ। बेटू को कब से बोल रही थी कि जाओ नहा लो, बट नहीं, उसको नहीं नहाना है अभी, आज मुझे ही नहलाना पड़ेगा उसको भी। और आजकल ना वेदर बहुत अच्छा हो गया है, अभी तो धूप भी नहीं है, बहुत अच्छा मतलब हो गया है, एकदम ठंडा ठंडा, तो थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है, बारिश भी होता है। तो चलिए फटाफट से तैयार करते हैं दोनों को और फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन के बाद मैं फिर से आप लोगों के साथ मिल रही हूँ, मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:00 PM, नहा धो के मैं हो चुकी हूँ तैयार, बच्चे लोगों को भी तैयार कर दिया है, वो दोनों उस रूम में खेल रहे हैं, और मैं जस्ट अभी नहा के निकली हूँ, पूजा पाठ सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। की काची रुगू, मेरा बाल बहुत बड़ा हो गया, बेटू का बाल बड़ा हो गया है तो बेटू अभी काटेगी नहीं। डुगू की कुछ चिकन काट चो, बोल रही है चिकन काट रही हूँ मैं, मेरे भाई और ये लगा
अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मम्मी ने देखो क्या किया, मेरा इयररिंग बेटू ने पहन लिया है, उसका जो छोटा वाला था वो खोल के मेरा वाला पहन लिया है, तो मैंने अभी ये वाला पहन लिया है। खाली का नहीं था पर आज पहन लिया। बेटू को इस वाले इयररिंग में अच्छा लग रहा है ना, और बेटू को पसंद भी है। डिस्को बॉय। तो चलिए अभी इन दोनों को करवाते हैं लंच, अभी टाइम हो गया है तो लंच करवा देती हूँ। डुक्कू सो भी जाएगा कुछ देर बाद। तो ये लग गया है दोनों का प्लेट। बैठो बैठो, यहाँ पे बैठ जाओ बैठ जाओ। तो ये बेटू के और ये डुक्कू का ना दी मैं नूंदी नहीं ना दी नहीं बैंडेज के गुल 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 कोले नमक लो। नमक कम की नमक के ले जा। नमक ना तुम आके खेता बना नून नमक कम कम डुबु पेट भरे गल पेट भरे गल खाली कर दिया। एक जंगले एक ককরোচ ছিল, বললাম না ককরোচ ছিল, এই ককরোচের একটা ডিম ছিল, ডিম ছিল ফেটে ডিম না, তবে বাচ্চা বাচ্চা কালিগের ব্রাশ লেকে ভাগ গিয়া বদমাশ। ইধার আও, পকড়ো 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 পকড়ো। तो चलिए हस्बैंड भी आ चुके हैं ड्यूटी से, और अभी मैं खाना परोस रही हूँ दोनों के लिए। दोनों लंच कर लेते हैं, दो बज चुका है, दोनों ही बच्चे अभी तक नहीं सोए हैं कोई भी। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करता है, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट भी कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग के साथ।